हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में हम आपके संग न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये हायरिंग हो रही है फ्रॉम टेक महिंद्रा, तो नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा। अभी ना आफ्टर ले ऑफ, बीच में ले ऑफ ऐसी चल रही थी कि सभी कैंडिडेट परेशान थे कि अब हमारा क्या होगा, जब एक्सपीरियंस लोगों का ले ऑफ हो जा रहा है तो हमारा क्या होगा। तो कोई ना, अब अगेन से हायरिंग स्टार्ट हो रही है, सभी कंपनियाँ हायरिंग स्टार्ट कर दी हैं, तो फटाफट से आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं टेक महिंद्रा की जो हायरिंग हो रही है, कौन कौन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी लास्ट डेट, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट क्या है, ऑन स्टार्टिंग टू 12th जुलाई, आज से ही इसकी स्टार्ट हुई है एंड 16th जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो इसके बीच में ही आप फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि 16th जुलाई इसकी लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन में बात करूँ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन नहीं, तो अगर आपने बीटेक किया है या फिर बी किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एमसीए किया, बहुत से कैंडिडेट एमसीए करते हैं, एमएससी करते हैं, तो अगर आपने एमसीए और एमएससी किया है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गई कि आप कौन कौन ग्रेजुएशन का कि कौन कौन यहाँ अप्लाई कर सकता है, बट यहाँ पर ब्रांच भी है। ब्रांच में ये है कि अगर आपने बीबीटेक किया तो बीबीटेक के केस में अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हैं, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है, या फिर सिर्फ कम्युनिकेशन है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल सिविल वाले कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एमसी और एमएससी के केस में बात करूँ तो अगर एमसी और एमएससी के केस में अगर आपका कंप्यूटर साइंस था तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी ग्रेजुएशन की, क्या आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है क्या नहीं। इसके बाद से बात करते हैं पासिंग ईयर। तो अगर आप 2022 या फिर 2023 के पास आउट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल डिग्री होता है वो है आपके पास, तो आपके लिए सिलेक्शन के टाइम बहुत ज़रूरी है, तो आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ को देख लीजिएगा। बात करें आप परसेंटेज की, तो यहाँ पर परसेंटेज बोला गया है कि आपका 70% होना चाहिए, सॉरी 70 लिख रही थी, 70%, ओके 70% आपका होना चाहिए जो कि आपके 10th 12th डिप्लोमा और आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर 70% से राउंड अप भी नहीं करना, यानी कि अगर किसी का 69.9 है तो भी वो कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता। आपका एग्जैक्ट 70% होना चाहिए, राउंड अप यहाँ पर नहीं करना है। तो अगर आपका 70% है या फिर उससे ज़्यादा है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका कम है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर टोटल 5 राउंड होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड जो होने वाला है वो आपका एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश स्टोरी होगा। तो एप्टीट्यूड में आपको क्वांटिटेटिव, रीजनिंग एंड लॉजिकल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फर्स्ट राउंड अगर आप क्लियर करते हैं देन आप सेकेंड राउंड में जाएंगे। सेकेंड राउंड में आपको टेक्निकल के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड साइक्रोमेट्रिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकेंड राउंड अगर आप क्लियर करते हैं तो थर्ड राउंड होने वाला आपका कम्युनिकेशन। उसके बाद जब थर्ड राउंड अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपको टेक्निकल राउंड होगा एंड देन आपका एचआर राउंड होने वाला है। टोटल 5 राउंड होने वाला है। अगर आप ये राउंड क्लियर करते हैं, 5वें राउंड क्लियर करते हैं, तो आपको जो पैकेज मिलेगा वो 3.25 LPA का पैकेज मिलने वाला है। इसके बाद एक एग्ज़ाम और है जो है सुपर कोडर का। अगर आप सुपर कोडर का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसमें आपको कोड करना होगा एंड अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 5.5 LPA का पैकेज मिलने वाला है, ठीक है। ये राउंड वही लोग देंगे एग्ज़ाम जो ये वाला राउंड क्लियर करेंगे, यानी कि जो 3.25 का पैकेज कर लेते हैं वो लोग ये देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ना दें। इसमें कोई आपको कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये देना ही है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो ना ही दें, ठीक है। इसके बाद से आपका अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद आपको 3 मंथ का आपको यहाँ पर इंटर्नशिप करवाया जाएगा। इंटर्नशिप में कंडीशन है, अगर आप इंटर्नशिप क्वालिफाई करते हैं तब जाके आप परमानेंट होंगे, अगर आप इंटर्नशिप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 मंथ का आपको इंटर्नशिप होने वाला है, इसलिए आप लोग इंटर्नशिप को थोड़ा सीरियस लीजिएगा। पिछली बार क्या होता है कि इंटर्नशिप को लोग सीरियस नहीं ले रहे थे एंड जब उन्हें निकाल दिया गया देन वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे थे, तो आप लोग प्लीज़ इंटर्नशिप को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। इसके बाद से आपको मैंने पैकेज बता ही दिया है। इसके बाद एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स के लिए आपको बॉन्ड साउंड करना है,
और अगर ये आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपको 1 LPA पे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप ये बॉन्ड जो है ब्रेक करते हो। तो ये बात होगी आपकी सभी एलिजिबिलिटी की। नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब आपको ना बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाले हैं। हर कंपनी स्टार्ट कर दी है हायरिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हर कंपनी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अप्लाई लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लीजिएगा। बाय बाय।